क्यों हो रहा है भोजपुरी की दबंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का नया गाना फ्लॉप, आज इसी के बारे में दो रीजन बताने वाला हूँ इस वीडियो में। हाँ तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा भोजपुरी की दबंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का इस समय बहुत सारा बोलबम गाना आप सभी के बीच आ रहा है, वो भी 20 दिन पहले से भोजपुरी की दबंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का नया बोलबम गाना आना शुरू हो चुका था और हर रोज भोजपुरी की दबंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का बोलबम गाना इस समय आ रहा है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा हमारे ताजा खबर के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। लेकिन क्यों हो रहा है भोजपुरी की दबंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का नया बोलबम गाना फ्लॉप? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूँ भोजपुरी की दबंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का बोलबम गाना फ्लॉप होने का दो कारण है। पहला कारण है की भोजपुरी की दबंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का बहुत सारा बोलबम गाना आ रहा है, वो भी हर रोज आ रहा है और इसी वजह से गाना हो जा रहा है भोजपुरी की दबंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का फ्लॉप। और दूसरा बड़ा कारण यह है की बोलबम में लोगों का उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। अगर भोजपुरी की दबंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का 5 से 6 गाना बोलबम का आता तो बहुत ही अच्छा और शानदार चलता है। और बात की जाए भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के बोलबम गाने के बारे में, तो भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का 3 से 4 बोलबम गाना आता है, इसी वजह से सभी गाना चलता है। अगर पवन सिंह का भी 20-25 गाना आता तो पवन सिंह का भी यही हाल हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि भोजपुरी की दबंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का सभी गाना फ्लॉप हो चुका है, ऐसा कुछ बात नहीं है। खेसारी लाल यादव जी का 4-5 गाना ऐसा है कि बहुत ही अच्छा चल रहा है, जैसे मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कोको कोला बोलबम। हाँ तो कई भाई लोग मेरे से कमेंट करके इसके बारे में पूछ रहे थे, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया। हाँ तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा तभी आप लोगों को पूरी बात समझ में आएगी। और दोस्तों भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और भोजपुरी की दबंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।